हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय, जो कि क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है जीवन परिचय, ठीक है, और इस प्रकार से ब्लू पेन से आगे लिखना है इसमें। प्रोफेसर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। प्रोफेसर रेड्डी जी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसका आगे लिखना है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु में हुई, यानी कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो संस्कृत और तेलुगु में हुई, और उच्च शिक्षा हिंदी में, जो इनकी उच्च शिक्षा हुई थी वो हिंदी में हुई थी, ठीक है, इसके आगे लिखना है। कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, यानी कि ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु 2005 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। इसके बाद ब्लैक पेन से इसमें हेडिंग लिखनी है साहित्यक परिचय, ठीक है, और इस प्रकार से इसमें आगे लिखना है। हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है, ठीक है। आगे लिखना है, हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का परिमाण दिया है, यानी कि हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का परिमाण दिया है, ठीक है। इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है, यानी कि इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। आगे लिखना है, तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है, यानी कि तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद लिखना है इनकी रचनाओं के बारे में, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है रचनाएं, और इस प्रकार से आगे लिखना है। इनकी रचनाएं निम्न हैं, ठीक है। नंबर वन, साहित्य और समाज, ठीक है, पहली जो रचना है इनकी साहित्य और समाज, और दूसरी है मेरे विचार, ठीक है, और तीसरी है शोध और बोध, यानी कि तीसरी है शोध और बोध, और चौथी है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं इनकी रचना, पहली है साहित्य और समाज, ठीक है, और दूसरी है मेरे विचार, और तीसरी है शोध और बोध, और फोर्थ है इनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।